बॉलीवुड शुरू से ही कभी साउथ तो कभी हॉलीवुड फिल्मों की रीमेक बनाता आया है, क्योंकि ज़्यादातर फिल्म मेकर्स को ऐसा लगता है कि अगर वो किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का रीमेक बनाएंगे तो वो मूवी भी काफ़ी अच्छा बिजनेस करेगी। नो डाउट कि कई बार ऐसा होता भी है, जैसे कि दृश्यम 2 और कबीर सिंह। लेकिन बॉलीवुड में बहुत सारी वॉस्ट रीमेक मूवीज भी बनी हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको वैसी ही 10 मूवीज के बारे में बताएंगे। वैसे तो बॉलीवुड में आपको सैकड़ों ऐसी मूवीज मिल जाएंगी, लेकिन हमने इस लिस्ट में ज़्यादा पुरानी फिल्मों को इंक्लूड नहीं किया है। हमने इस लिस्ट में वैसे फिल्मों को इंक्लूड किया है जिसमें हमें फेमस एक्टर्स दिखाई दिए थे या फिर जिनकी वजह से मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। टेन, लक्ष्मी। अक्षय कुमार स्टारर लक्ष्मी मूवी 2022 में रिलीज हुई थी और सब जानते हैं कि ये साउथ मूवी कंचना की रीमेक थी। इस मूवी का BGM, सिनेमेटोग्राफी और CGI इफेक्ट्स अच्छे थे और बेसिकली ये मूवी सिर्फ टेक्निकली अच्छी थी, बाकी इस मूवी में कुछ भी परफेक्ट नहीं लग रहा था। कंचना एक कल्ट क्लासिक हॉरर कॉमेडी फिल्म है और हमें कुछ क्लासिकल फिल्मों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको रिपीट करते टाइम हम उतनी वैल्यू एड नहीं कर पाते हैं। आपको शर्म नहीं आती फिर की कहीं का? तो बता दे कि लक्ष्मी मूवी को राघव लॉरेंस ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने कंचना को डायरेक्ट किया था और वो उसमें एज अ मेन लीड भी दिखाई दिए थे। कंचना मूवी में लॉरेंस की एक्टिंग कमाल की थी, लेकिन अक्षय इस रोल में फिट नहीं हो पाते। कंचना मूवी में लॉरेंस एक ट्रेडमार्क बन चुके हैं और उन्हीं सीन्स में किसी और एक्टर को देखना हम सबके लिए इम्पॉसिबल था। तो लक्ष्मी मूवी के वॉस्ट होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि कंचना एक क्लासिक फिल्म है जिसका रीमेक हो ही नहीं सकता। देखो कैसे सांड की तरह सोया हूँ, मुंह तोड़ दूँ इसका। नंबर 9, बच्चन पांडे। बच्चन पांडे अक्षय कुमार स्टारर मूवी है जिसे 2022 में रिलीज किया गया था। ये 2014 में रिलीज हुई एक तमिल मूवी जिगर ठंडा की रीमेक थी। जिगर ठंडा में बॉबी सिम्हा ने मेन लीड कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि बच्चन पांडे में अक्षय कुमार ने प्ले किया है। नो डाउट कि बच्चन पांडे वन टाइम वॉचेबल मूवी थी और उसमें अक्षय कुमार का लुक और उनकी एक्टिंग काफी डिफरेंट थी, लेकिन जब हम इसे ओरिजिनल मूवी जिगर ठंडा से कंपेयर करते हैं तो बच्चन पांडे उसके सामने कुछ भी नहीं है। रावण है वो, रावण, उसका दिल और उसकी आंख दोनों पत्थर के। जिगर ठंडा में एक्टर्स का लुक, उनकी एक्टिंग और जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया था वो बहुत ही रॉ और नेचुरल लगा था, लेकिन वही बच्चन पांडे में बहुत सारी चीजें ड्रामेटिक लगती हैं और इसी वजह से ऑडियंस बच्चन पांडे से कनेक्ट नहीं हो पाती। आपने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है तो बच्चन पांडे आपको एक अच्छी मसाला फिल्म लग सकती है, लेकिन अगर दोनों फिल्मों को कंपेयर किया जाए तो बच्चन पांडे वॉस्ट रीमेक मूवीज की लिस्ट में आएगी। नंबर 8, भौकाल बनाए रखे के लिए भय बनाए के रखना बहुत जरूरी है। कैच। ओके जानू। आशिकी 2 के बाद ओके जानू में एक बार फिर से हमें श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर एक साथ देखने को मिले थे। आपको बता दें कि ओके जानू एक तमिल फिल्म ओ कनमणि की रीमेक थी, जिसमें हमें दिलकर सलमान और नित्या मेनन एज अ मेन लीड दिखाई दिए थे। ओके जानू मूवी लिव इन रिलेशनशिप पर बेस्ड थी। मूवी के स्टार कास्ट भी अच्छे थे और उनकी जोड़ी पहले से ही हिट थी, तो इस मूवी को और बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर हम ओके जानू को एक ओरिजिनल मूवी की तरह भी देखें तो वो ऑडियंस को उतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाती हैं। मूवी में हमें आदित्य और तारा के बीच ज्यादा कनेक्शन फील नहीं होता और जब हम इसे ओरिजिनल मूवी से कंपेयर करते हैं तो एक बहुत ही खराब रीमेक साबित होती है, क्योंकि ओरिजिनल मूवी में दोनों एक्टर्स के बीच की बॉन्डिंग, उनकी केमिस्ट्री और उनकी एक्टिंग बहुत ही इनोसेंट और क्यूट थी, जबकि इसके रीमेक में ऐसा नहीं हो पाया। नंबर 7, बॉस। बॉस अक्षय कुमार स्टारर 2013 की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि ये मूवी 2010 की मलयालम फिल्म पोकिरी राजा की रीमेक है। बॉस बॉलीवुड की ओवररेटेड मूवीज में से भी एक है और ये एक मसाला फिल्म है। इस मूवी में बहुत सारी चीजें या तो मिसिंग थी या फिर कुछ ज्यादा ही थी, जबकि इसके ओरिजिनल फिल्म में ऐसा नहीं था
और जैसा कि मैंने बताया कि साउथ की फिल्में बहुत ही ज़्यादा रॉ और नेचुरल होती हैं, जबकि बॉलीवुड की फिल्मों में कुछ ऐसा देखने को नहीं। हमारा सिर्फ एक ही बिजनेस हो गए ट्रांसपोर्ट का। कहाँ का बिजनेस हो गए? ट्रांसपोर्ट का। बीच में ना बोड़। हमारे माथे पर यो ने लिखिया कि हम चीटर हैं, जैसे थारे माथे पर लिखियो है। केड़ा लिखियो भाई? चीटर। बीच में ना बोड़। नंबर 6, तेवर। इस मूवी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था इसके लीड एक्टर्स अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा। आपको बता दें कि तेवर मूवी महेश बाबू स्टारर ओकारु की रीमेक है। इसकी ओरिजिनल मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था दोनों एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री, जबकि तेवर मूवी में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। आपको भागना है ना, सही लौंडे से टकराइए, मेरे से अच्छा कोई नहीं भागता। ओ हाँ, मायसेल्फ इनटू राधिका। एज वी ऑल नो कि अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा एक बहुत अच्छे एक्टर नहीं है, और दोनों एक्टर्स को एक ही मूवी में कास्ट करना ये सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इसकी ओरिजिनल फिल्म में हमें महेश बाबू और भूमिका चावला की नेचुरल एक्टिंग और उनके बीच की केमिस्ट्री देखने को मिली थी, जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आई थी, जबकि तेवर मूवी में सारी चीजें ओवररेटेड दिखाई गई। राधिका, धड़क मूवी जानवी कपूर और ईशान खट्टर की डेब्यू फिल्म थी। आपको बता दें कि ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मराठी फिल्म सैराट की रीमेक थी। अगर आपने ओरिजिनल मूवी सैराट नहीं देखी है तो धड़क आपको बहुत अच्छी रोमांटिक मूवी लगेगी, लेकिन अगर आप इसे ओरिजिनल मूवी सैराट से कंपेयर करते हैं तो धड़क ऑडियंस पर अपना छाप नहीं छोड़ पाती। सैराट में हमें जो भी सिचुएशंस और उनके कैरेक्टर्स दिखाए थे वो हमें काफी रियल लगे और ऑडियंस खुद को उससे रिलेट भी कर पाते हैं। जैसे कि सैराट में जब आर्ची और प्रशांत भाग जाते हैं तो वो झोपड़ी में रहते हैं और फैक्ट्री में काम करते हैं ताकि वो अपना खर्चा उठा सके, लेकिन धड़क मूवी में पार्थवी और मधु को एक अच्छा फ्लैट मिल जाता है और उन्हें एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है। कुल मिलाकर कहें तो सैराट मूवी की सिंप्लिसिटी उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, जबकि धड़क में हमें ऐसा देखने को नहीं मिला, इसलिए धड़क एक अच्छी रीमेक मूवी नहीं कही जा सकती। नाटक करा कल से? कुछ भी तो नहीं। मुझे देख क्यों नहीं रहा? देख तो ठीक से क्यों नहीं देख रहा? कल चोटी बांध के आई थी, मल्टी कलर पहन के आज येलो सलवार कमीज में आई है और बाल खुले छोड़े और कितना ठीक से देखा। मधु, I love you। तू भी बोल। मुझे शर्म आवे। शर्म आवे? एक लपट दूंगी तुझे। I love you too। नंबर 4, हंगामा 2। हंगामा बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका सीक्वल जब अनाउंस हुआ था तो ऑडियंस को इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन जब मूवी रिलीज हुई तो हंगामा 2 बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवीज़ में इंक्लूड हो गई। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि हंगामा 2 1994 की क्लासिक मिन्नरम की रीमेक है, जिसमें हमें एज अ मेन लीड मोहनलाल दिखाई दिए थे। जैसा कि हमने बताया कि मिन्नरल एक क्लासिक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन अगर हम हंगामा 2 को एक ओरिजिनल फिल्म की तरह भी देखें तो ये एक बहुत ही बकवास कॉमेडी फिल्म है। शहजादा, कौन है तू? कौन हूँ मैं? तू मुझे नहीं जानती? एक नजर ढंग से देख तो मुझे, ये मुखड़ा तू नहीं पहचानती? मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में 8/8/2018 8 घंटे लाइन में लग के फिर भीड़ को साक्षी मानकर मैंने तेरी मांग भरी और तेरे गले में मंगल सूत्र पहनाया, कुछ याद आया? तेरी हिम्मत कैसे हुई पूछने की मैं कौन हूँ? शहजादा कार्तिक आर्यन की करियर की पहली रीमेक मूवी है, और सब ये बात जानते हैं कि अल्लू अर्जुन स्टारर अल्लाह बैकुंठम पुरलु की रीमेक है। कार्तिक आर्यन का करियरग्राफ अभी काफी अच्छा जा रहा था, और इस बात में कोई शक नहीं है कि शहजादा मूवी कार्तिक की सबसे बड़ी गलती साबित हुई है। अल्लाह बैकुंठम पुरमल्लू कोई बहुत ग्रेट मूवी नहीं थी, लेकिन वो बहुत बड़ी हिट साबित हुई क्योंकि उस मूवी में अल्लू अर्जुन थे, और इसके अलावा उस मूवी के सारे गाने हिट साबित हुए थे। शहजादा मूवी के फेलियर का सबसे बड़ा कारण ये है कि अल्लू अर्जुन को कोई कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन कार्तिक आर्यन की सबसे बड़ी गलती यही है कि उन्होंने अल्लू अर्जुन को कॉपी करने की कोशिश की है, जिसमें वो पूरी तरह से फेल हुए हैं। इसके अलावा अल्लू अर्जुन की मूवी में हमें अच्छी खासी कॉमेडी देखने को मिली थी, लेकिन कार्तिक की मूवी में एक भी सीन ऐसा नहीं है जिसमें आप बहुत ज्यादा हंस सके, और इसी वजह से शहजादा अब तक की सबसे वर्स्ट रीमेक मूवीज में इंक्लूड की जाएगी। रोज 10-10 अंडे पेलता है नाश्ते में, मुर्गियां थक गई है, इसको लॉयर बनना है या बाउंसर? नंबर 2, निकम्मा। मर्द को दर्द नहीं होता जैसे फिल्म बनाने के बाद अभिमन्यु दसानी ने निकम्मा मूवी की, जो कि 2022 में बॉलीवुड की सबसे वर्स्ट मूवीज में से एक है।
आपको बता दे कि ये मूवी नानी स्टारर मिडिल क्लास अब्बाई की रीमेक है। मिडिल क्लास अब्बाई कोई ग्रेट मूवी नहीं थी, लेकिन वो वन टाइम वॉचेबल थी। उस मूवी में रोमांस, कॉमेडी, एक्शन सब कुछ था। इसके अलावा उस मूवी में एज अ मेन लीड हमें नानी दिखाई दिए थे, जिनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। वही निकम्मा मूवी में सब कुछ बकवास लग रहा था। इसके डायलॉग से लेकर इसकी कास्ट कुछ भी परफेक्ट नहीं था। इस मूवी के डायलॉग इतने बकवास थे कि इसे सबसे खराब डायलॉग वाली मूवीज में इंक्लूड किया जाएगा। कुत्ता पाल ले। क्या? कुत्ता पाल ले, मगर ये वहम मत पालना कि तू उन्हें हाथ भी लगा पाएगा। नंबर वन, कठपुतली। जैसा कि मैंने कंचना मूवी के बारे में बताया कि कंचना एक क्लासिक मूवी है, जिसे रीमेक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक वैसे ही रथ शासन भी साउथ की एक क्लासिक मूवी बन चुकी है, और उसी स्टोरी में हम किसी और एक्टर को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। लेकिन बॉलीवुड ने रथ शासन मूवी का रीमेक भी बनाया है, जिसमें हमें फिर से अक्षय कुमार ही दिखाई दिए थे, और इस मूवी को कठपुतली नाम दिया गया था। सबसे पहले तो कठपुतली में अक्षय कुमार की एक्टिंग, या फिर ये कहें कि अक्षय कुमार फिट ही नहीं हो पा रहे थे। रथ शासन मूवी में विष्णु विशाल ने जैसी एक्टिंग की थी और उनके चेहरे पर जैसे एक्सप्रेशंस दिखाई दिए थे, उससे हम खुद को मूवी से काफी रिलेट कर पाए थे। जबकि अक्षय कुमार के चेहरे पर हमें वैसे एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिले थे। मूवी के प्लस माइनस पॉइंट को छोड़ दे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने उस मूवी को देखा भी नहीं, क्योंकि वो रथ शासन की रीमेक को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ये मूवी 2022 की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवीज में से एक बन गई। We are dealing with a potential serial killer in Kasauli. तो ये थी बॉलीवुड की 10 सबसे खराब रीमेक फिल्में। इनमें से कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा खराब लगी? Do let us know in the comment section. इसके अलावा अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशन हो तो वो भी बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।